नमस्कार, आप देख रहे हैं द इजी न्यूज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। पप्पू यादव युवाओं के दिलों के धड़कन अब बन चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है पप्पू यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए मोबाइल से फ्रंट कैमरा ऑन कर चुके हैं। और पप्पू यादव इससे पहले मंदिरी स्थित मंदिरी के क्रम में जो आर्ट कॉलेज है वहां पहुंचे थे, वहां पर जाकर जो छठवर्तियां हैं उनसे मिले थे और खूब आशीर्वाद पप्पू यादव को मिल रहा है। जो छठवर्तियां हैं वो खूब आशीर्वाद दे रही हैं। युवाओं का क्रेज देख सकते हैं कैसे सेल्फी लेने के लिए पप्पू यादव के साथ लोग युवा जो है यूथ वर्ग जो है वो किस तरीके से उत्साहित है। और अभी फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक स्थित जो घाट है वहां पर पप्पू यादव पहुंचे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं यूथ का खासकर मंचपा लगा हुआ है, पप्पू यादव जैसे आए घाट पर और पप्पू यादव आए के भी छठ बनते हैं वो आशीर्वाद पप्पू यादव को दे रही है। और यूथ जो है वो एक फोटो क्लिक करने के लिए बेचैन है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा मैन भी इस भीड़ में किस तरीके से लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार पटना वासियों के बीच में जा रहे हैं और उनके दर्द को शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह तो जरूर पप्पू यादव ने बना लिया खासकर यूथ में। और छठ का पवित्र पर्व और लोक आस्था का पर्व, उसमें लगातार पप्पू यादव जो है वो तमाम घाट पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और आज छठ पूजा का तीसरा दिन, देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए धक्के मुक्की हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव अब फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक स्थित जो छठ घाट बनाया गया है वहां पर पहुंचे हैं। और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव का जो है स्वागत हो रहा है। यूथ गले लग रहे हैं पप्पू यादव से और एक चमक एक मुस्कान आप देख सकते हैं सीधी तौर पर युवाओं के फेस पर। और इससे पहले की भी हम बात करें तो तमाम कल खरना था और पप्पू यादव जो है पूरी रात जो है वो पटना में घूम रहे थे और खरना का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे थे। और अभी देखिए किस तरीके से यूथ जो है और जो पप्पू यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन है। और लगातार हमारे सहयोगी भी आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है पप्पू यादव का। और मुस्कान देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं किस तरीके पप्पू यादव जब यहाँ पर पहुंचे तो लोग किस तरीके से लोगों के फेस पर मुस्कान आ गई। और ये देखिए ये मजमा है यूथ का जो पप्पू यादव को देखने के लिए बेसब्री से मानो इंतजार कर रहा था और वो वक्त आया है जब पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे। हम अपने सहयोग के बोलेंगे वो तस्वीर दिखाए किस तरीके से जो यूथ है वो किस तरीके से सेल्फी ले रहे हैं। फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है और तमाम जो घाट हैं वहाँ पर पप्पू यादव स्वयं जा रहे हैं और जो छठ वतियाँ हैं वो उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और खूब आशीर्वाद बटोर रहे हैं, दुआ बटोर रहे हैं। और क्यों ना आशीर्वाद मिले पप्पू यादव को, जिस तरीके से लगातार जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी और पप्पू यादव डटे रहे तो कोई भी जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहा था, एक विकल्प पप्पू यादव थे। घर तक खाना पानी दूध तमाम चीज़ें पप्पू यादव लेकर पहुंच रहे थे और उसके बाद लगातार पटना में पप्पू यादव बने हुए हैं। और देखिए पप्पू यादव अभी संबोधन कर रहे हैं, अपने कैमरामैन को बोलेंगे ये पूरी चीज़ें जो पप्पू यादव बोल रहे हैं वो सुने आप भी। वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वधर्म संभव सार्वभौमिकता के जीवन दर्शन के अरे यार हम लोग का सिर्फ मानव कल्याण सिर्फ विश्व कल्याण हम लोग का नीचे रखे हुए हैं। मानवता की रचना परम सत्ता जिसके हम परिवार हैं, हम सब एक परिवार हैं। आज सुबह कलकत्ता की एक कलाकार की टीम हमारे पास आए, जबकि मैं उस वक्त बहुत दूर था। उन्होंने कहा कि हम लोग एक समाज के बीच एक नया चीज देना चाहते हैं और मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूं। मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हर लोग एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप में जो विश्वास मेरे ऊपर किया, आज उस आस्था के पर्व के बीच मैं सर्वश्रेष्ठ उस शक्ति के परम सत्ता को, हम उस आराध्य देव को जिसने हम सब किसी को मानो तो देव ना तो पत्थर,
जो जिसने सृष्टि का निर्माण किया। हम उम्मीद करते हैं कि हम सब का जो दायित्व है वो मानवता की रचना के लिए सं गच्छध्वं सं वदध्वं समवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजाह नाना उपासते समानी व्याकुति समाना हृदया निभा समानो मस्तो नमा यथा वह सुशासक। एक परिवार, अध्यात्म भी कहता है विज्ञान भी कहता है। 1,00,000 वर्ष पहले हम होमो सेपियन और सेपियन के बाद मनुष्य के आकार में आए और हमारी सभ्यता की शुरुआत। हम एक परिवार है। अध्यात्म कहता है कि 10,00,000 वर्ष पहले एक परम सत्ता, एक क्रिएटर ने एक बिंदु से इस सृष्टि की रचना की। और फिर हमें लगता है कि हु इज द आफ्टर, पहले कौन, बिफोर कौन, तब लगता है कि कोई सत्ता थी जिसने एक खूबसूरत रचना। और आज हमारा दायित्व बनता है। एक माँ तब मुस्कुराती है जब उसके बच्चे मुस्कुराते हैं, फिर ईश्वर कब मुस्कुराएगा जब उसका परिवार जिसने उनकी रचना की जब वो खुशहाल हो, हर तरह के दुख और रोग से दूर हो। वह दीप हमारे भीतर प्रज्वलित हो। पूजा एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। पूजा एक व्यक्ति के जीवन का निर्माण है। यह अलग है कि हमने परंपराओं में हम हो गए और हम उस परंपरा के पद पर चल दिए जहां हमने पाप और पुण्य में ईश्वर को खड़ा कर दिया, कुछ मामले में ईश्वर को खड़ा कर दिया। माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर, माँ फर्क किसी में नहीं करती। जिसने रचना किया मेरा, वो फर्क हम में कैसे कर सकते। हम यदि आज गलत करें, किसी के साथ अन्याय करते हैं और हम वहाँ चोरी मेरी पकड़ी जाती है तो वो मैं करता हूँ, मेरा कर्म करता हूँ, वो दिन खराब नहीं होता, मंगल और भूत खराब नहीं होते, एक व्यक्ति खराब होता। और उसके लिए आप इस्तेमाल करें ईश्वर का। ईश्वर को हमें बहुत खूबसूरत बनाए, जिस किसी चीज की रचना की है वो इस मनुष्य के लिए किया। मनुष्य का अस्तित्व है तो ईश्वर का भी अस्तित्व है। मनुष्य के अस्तित्व के बगैर ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं समझता हूँ मनुष्य के प्रति हमारा समर्पण, मनुष्य को इष्ट मानकर ईश्वर के पद का पथिक होना एक अर्जुन और कृष्ण के भांति, सुदामा और कृष्ण के भांति, मीरा और कृष्ण के भांति, शबरी और राम के भांति, हनुमान और राम के भांति, बुद्ध और अशोक के भांति। फिर हम एक नए जीवन दर्शन, एक नए मूल्यों की, एक नए आदर्श की स्थापना कर सकते। हम इस पाप और पुण्य की डुबकी के फेर में ना रहे। हम जो करते हैं वही दिखता है। ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर को जो रचना करनी थी कर दी। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। प्रकृति और परमात्मा के नैसर्गिक ऊर्जा से एक बड़े सृष्टि का आविष्कार हुआ। और हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ मानव के कल्याण के पथ के पथिक बने, मूल्य और आदर्श के लिए जिए और सबके मुस्कुराने का रास्ता ढूंढे, बिना किसी द्वेष और रोग के, बिना किसी अहंकार और लोभ के। अभाव में जीने वाला इंसान कभी रचनाकार नहीं हो सकता। हमें उसके जीवन के साथ खड़ा होना चाहिए। यही है हमारा मूल, इस शक्ति की आराधना जिसको आप सूरज के रूप में पूजा करते हैं। ईश्वर की कल्पना तो लोगों ने डर के कारण भी कर लिया और आवश्यकता के कारण भी कर लिया। सूरज की पूजा इस दुनिया में आदिकाल में डर के कारण ही, अंधकार के भय के कारण हमने प्रकाश को ढूंढना शुरू किया और उस ढूंढने में सूरज मिले। लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ी आराध शक्ति के रूप में हमने अग्नि की पूजा की।
उसके पीछे भी कई कारण। चलिए मानो तो देव ना तो पत्थर, जिस रूप में भी आप आलंबित करिए, आपका समर्पण कंप्लीट रूप से उस सीम साढ़े 12,000 वर्ष पहले जो हमारे बीच एक आदि शक्ति के रूप में आए थे और जिसने जीवन के निर्माण की शुरुआत की थी, और वहीं से हमने जाना वसुधैव कुटुंबकम्, वहीं से हमने जाना सर्वधर्म सम्भव, और जब कृष्ण आए तो हमने जाना रचना को आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष की कल्पना से हम चेरे बिता पढ़ते चले, कभी थके नहीं और मुस्कुराने का रास्ता ढूंढे, ताकि मेरे और शक्ति के अलाप देव के रास्ते के बीच कोई फासला ना बचे। चलिए मिलकर एक नए बिहार की कल्पना करते हुए, बिना किसी द्वेष राग के, बिना किसी जड़ता के, बिना किसी नफरत और उन्माद के, बिना किसी संकीर्णता के, एक परिवार के रूप में सबके कल्याण की कल्पना के साथ आगे बढ़ें। मैं पैर छू के आप सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम धन्यवाद। सर मैंने देख एक और किया है, नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, जो हकीकत वही बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, जो हकीकत वही, जो आप कल्पना करिएगा नेताओं की तरह बहुत सब हम नहीं बोल रहे। हाँ आप यहाँ आए बताएं कुछ खास। ये एक इतना बड़ा समर्पण ईस्ट के प्रति शायद मैं किसी पर्व में नहीं देखता। अभाव में रहते हुए हर आदमी दूसरों के मुस्कुराने की कल्पना करता है, एक ऐसा आस्था जहां खुद को भूल जाना हुआ। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये अजीब मेहमान है ये लोग, जहां अपने जीवन से बहुत ऊपर उठकर सिर्फ वर्तमान और भविष्य के जीवन के निर्माण के लिए आगे बढ़ते चलने वाला जो ये पर्व है, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ हर व्यक्ति का जीवन संपूर्ण हो। पप्पू जी, प्रकृति का प्रकोप तो बिहार पर भी पड़ा है, आप चलिए, ये मानवीय आपदा है, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। सब चीज मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी राजनीति मत कराइए, करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकता हूँ कि कोई भी घटना घटित इस देश में या दुनिया में होती है, चाहे वो नेचर का हो, चाहे कोई घोटाला हो, चाहे कोई उन्माद हो, चाहे कोई नफरत हो, चाहे समाज के बीच में किसी भी तरह के झंझावात आते हैं, ह्यूमन डिजास्टर होता है, और ह्यूमन डिजास्टर में पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन उसके मुख्य कारण होते हैं। यदि व्यक्ति चाहे तो किसी भी डिजास्टर का सामना कर सकता है और एक समाज के मुस्कुराने के लिए, एक समाज के खुशी के लिए, उसके एक बेहतर जीवन के लिए किसी भी तरह के समर्पण के साथ कुर्बानी दी जा सकती है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, यह एक परिवार है, हम एक परिवार और परम सत्ता के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता, ना अमीर गरीब में, ना जात धर्म में, ना मजहब में, ना किसी संकीर्णता को बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि हम सब एक ही सत्ता के बच्चे हैं और उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा कंप्लीट वे हर फैमिली, हर व्यक्ति, समाज के हर तबके कल्याण के भाव में ही आगे बढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर पॉलिटिशियन ने इसको लाया, और आज जो लोग फोटो खिंचाने में लगे हैं घाट पे जाके, उन्हें नहीं पता कि आम आदमी की पीड़ा क्या है। हम उनसे आग्रह करेंगे, जब डेंगू में सिपाही मरे और हम गए आरा, तो एक पॉलिटिशियन का, बड़े पॉलिटिशियन का एक बयान आया, ठंडा आते ही डेंगू समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में चिकनगुनिया हुई, तो लोगों ने कहा गर्मी इतना थी कि हम बचा नहीं पाए 350 आदमी। जब यहाँ बाढ़ के प्रकोप आए तो उन्होंने कहा हथिया था। जब 38 जिला हर साल डूबता है तो कहता है नेपाल में पानी हो गई। तो जब इंसान को भगवान, किस्मत और भाग्य के भरोसे ही जीना है, तो इस डेमोक्रेसी में, इस चुनाव और इस नेताओं की क्या आवश्यकता है। बकस दो, हमें जीने दो, कम से कम
मरने और जीने के बीच तुम तो कहीं नहीं रहोगे। इस बीच क्या योजना होगी साल भर बाद वो देखेंगे सर। अभी आगे की राजनीति। ये थे पप्पू यादव जो संबोधन कर रहे थे और देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं का प्यार और जो छत्रवर्ती हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि परिवार है और छठ पूजा एक महापर्व लोक आस्था का पर्व है और उस बीच परिवार के बीच आकर अच्छा लग रहा है और इसमें कोई भी राजनीति नहीं है और आगे भी वो इसी तरीके से सभी लोगों से निवेदन भी कर रहे थे कि भाईचारा और प्यार बनाकर मजबूती से खड़े रहे और मुस्कान फेसों पर रखे। ये तमाम चीजों को लेकर और तमाम घाटों पर पप्पू यादव स्वयं जा रहे हैं और खूब प्यार कर रहा है पप्पू यादव को, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जनता के बीच में पटना में जिस तरीके से जलजमाव की समस्या हुई और उसके बाद फिर जिस तरीके से पप्पू यादव ने स्वयं सड़कों पर उतरकर स्वच्छता अभियान चलाए, इन तमाम चीजों को जनता जो है वो बाखूबी खूब सराह रही है और प्यार भी खूब दे रही है। और युवाओं का जिस तरीके से पप्पू यादव के प्रति झुकाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं पप्पू यादव युवाओं के हीरो तो बन चुके हैं। के साथ धन्यवाद तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं वंचित न्यूज़। आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया।